हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। आज घर में फरमाइश थी कि राजमा खाना है। आप सभी को पता है राजमा में तो बहुत सारे टमाटर डालने पड़ते हैं, और अभी टमाटर का भाव वो तो आसमान छू रहा है। तो ऐसे में क्या करें, हम राजमा खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। आज हम बनाएंगे राजमा, वो भी बिना टमाटर के और बिना प्याज के। एकदम लगेगा ही नहीं कि इसमें प्याज और टमाटर डाला हुआ नहीं है, ये इतने टेस्टी बनेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाने चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने लिए हैं यहाँ 5-6 सूखी लाल मिर्ची, जिसको गर्म पानी में बॉईल करके या फिर आप गर्म पानी में डाल के सोख होने के लिए आप इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है 250 ग्राम राजमा था, जिसको हमने 5-6 घंटे भिगो कर रखा है। ये अच्छी तरह से फूल गए हैं, आप साफ़ कर लें। और इसको डालेंगे एक प्रेशर कुकर में। साथ में हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच ही हल्दी। साथ में डालेंगे लगभग 2 से 2.5 ग्लास पानी। पानी आप अपने मतलब आपका राजमा के ऊपर डिपेंड करता है, राजमा आपका कैसा है। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कलर बहुत अच्छा आए, क्योंकि हम टमाटर भी नहीं डालने वाले हैं तो कलर कैसे आएगा। कलर यही देगा, और ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। इसको हम 5 से 6 सीटी लगाने देंगे। ये देखिए, हमारा राजमा बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें से हमने ये 2 चम्मच राजमा निकाल लिया है, जिसको हम डालेंगे ब्लेंडर जार में। साथ में डालेंगे ये कुछ धनिया के डंठल हैं, और 1 शिमला मिर्च का मतलब 1 टुकड़ा डालना है हमें। इसको डालना बहुत ज़रूरी है। इसको डालने से आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें प्याज भी नहीं डाला है। साथ में जो हमने मिर्ची सोख करके रखा था, ये अच्छे से फूल गए हैं, इसको भी डाल देंगे। और साथ में इसी पानी के साथ हम इसको पीसेंगे। इसी में डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने राजमा में भी धनिया सॉरी हल्दी डाल रखा है, कम ही डालेंगे। और ये लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, जिसको छोटा छोटा कट करके डाल लेंगे। और 5 से 6 कली लहसुन अदरक सॉरी लहसुन की कलियाँ। इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। चलिए अब मसाला भूनते हैं। ये हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। हमने सरसों तेल डाला है, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तेल गर्म होते ही डाल देंगे जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल होगा, हम डाल देंगे ये पिसा हुआ पेस्ट। साथ में डाल देंगे ये जो मिक्सी के जार में पेस्ट लगा हुआ है, उसी में थोड़ा सा पानी डालकर धो के उसको हम डाल देंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन भी जाए और जले भी नहीं। इसी तरह से चलाते हुए आप भून लें। इसको चलाना बहुत ही ध्यान से है, क्योंकि इसमें राजमा पिसा हुआ है तो हो सकता है ये नीचे तली में लगने लगे, इसलिए बराबर से चलाते हुए भुने। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। क्योंकि हम टमाटर डालेंगे नहीं, लेकिन हमें टमाटर का खटास तो चाहिए ही, जो पूरा करेगा ये अमचूर पाउडर। तो 1 चम्मच अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, ये बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। साथ में डालेंगे बिल्कुल 1/4 टीस्पून गरम मसाला। चूँकि हमने खड़े मसाले भी डाले हैं, इसलिए गरम मसाला बहुत ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे। इधर हमारा राजमा भी बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए राजमा का कलर कितना सुंदर है, बिल्कुल लाल जैसे टमाटर के साथ पकता है। इनको हम डाल देंगे इसी मसाले में, और इसी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम अभी 10 मिनट और पकने देंगे, ताकि हमारा राजमा और मसाले बिल्कुल एक सार हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट तक पकने देंगे धीमी आंच पे।
ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारा राजमा बिल्कुल भी रेडी है। कितना मस्त खूबसूरत सा कलर आया है। बस आप ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको मन हो तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि धनिया पत्ता तो अभी और भी महंगा है, ये तो 300 रुपये किलो है। देखिए कहीं से आपको लग रहा है कि इसमें हमने प्याज भी नहीं डाला है, टमाटर भी नहीं डाला है, उसके बावजूद इसका रंग कितना खूबसूरत है और टेक्सचर भी बिल्कुल वही जो हम प्याज टमाटर के साथ बनाते हैं। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं, मैं तो खाने जा रही हूँ। मैंने लिए हैं प्लेट में ये गर्मा गर्म राइस और साथ में डालेंगे ये हमारा मस्त सा बिना प्याज टमाटर वाला राजमा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। बस और क्या चाहिए। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो, कुछ हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।